डोंट बाय ऑर्डर फ्लिपकार्ट पैलेटर। दोस्तों यार फ्लिपकार्ट पैलेटर का इस्तेमाल करके ऑर्डर मत करना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरे साथ काफ़ी कुछ हो चुका है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे साथ क्या हो चुका है, कुछ गड़बड़। ठीक है ना, देखो भाई यहाँ पर देखो फ्लिपकार्ट पैलेटर क्या है, एक तो लोन है, सीधी सी बात है, एक तरह से लोन है और आपको कुछ लोन दिया जाता है फ्लिपकार्ट द्वारा, और वो भी आपको आधार कार्ड पैन कार्ड देने के बाद ही मिलता है। ठीक है ना, मतलब आधार कार्ड पैन कार्ड लगाओगे तो ही मिलता है। और आपको कुछ इनकी लिमिट मिलती है 5,000, 7,000, मुझे तो भाई 25,000 की लिमिट मिली है। अभी स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ, मेरा स्क्रीनशॉट है। ठीक है ना, और भाई इसको यार मिलने के बाद दोस्तों मैं सोचा कि चलो एक फ़ोन ऑर्डर कर लेते हैं फ्लिपकार्ट से, वो भी फ्लिपकार्ट का पैन का इस्तेमाल करके, बाद में इसको पैसे को पेड करेंगे। तो भाई मैंने ऑर्डर तो कर दिया, ऑर्डर हो भी गया, चलिए ऑर्डर आसानी से हो गया, वो मेरे पास पहुंच भी जाएगा। ठीक है ना, अभी वही बात करने वाला हूँ कि यार जब आपके पास ऑर्डर करने के बाद आपको ये लगता है कि यार ये पैसा जब मर्जी होगा तब देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, आपने ऑर्डर किया आज और आपको कुछ दिनों बाद, आपको कुछ दिनों बाद ही कॉल्स पे कॉल्स आने लगेंगे फ्लिपकार्ट की कि भाई आपको पैसा पे कीजिए, जो आपने फ्लिपकार्ट का पैसा पे यूज़ किया उसको आप पैड कीजिए, वरना आपके चार्जेस लगा जाएंगे, आपको कुछ पेनल्टी देनी पड़ सकती है, मतलब चार्ज मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ सकते हैं, कुछ चार्ज लगते हैं उसमें एक्स्ट्रा, मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा पे देना पड़ सकता है। ठीक है ना, तो ये सब आपको होता है। और भाई यहाँ पर देखो यार, अगर आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, एग्जैक्टली बिल्कुल पैसा नहीं है और आप चाहते हो शॉपिंग करना, तो आप कर सकते हो, ऐसा है। लेकिन अगर पैसे आपके पास हैं तो फिर फ्लिपकार्ट पैलेटर का इस्तेमाल मत करें तो बेहतर है। इस पर भाई आपके कुछ एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा चार्ज लगते हैं अगर आप शॉपिंग करते हो दोस्तों। मैं दोस्तों अगर मैं आपको कुछ डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूँगा भाई कितना यहाँ पर चार्ज वगैरह लगता है, कितने पैसे पर अगर आप चुका नहीं पाते तो, और वही इसकी इंक्रीजिंग बढ़ती जाती है, आप जितना लेट चुकाएंगे उतना पैसा आपको पे भी करना पड़ता है। ये तो भाई मैंने कस्टमर केयर से बात भी किया है फ्लिपकार्ट के। ठीक है ना, तो ऐसा होता है। तो भाई इसलिए भाई मैं फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट का इस्तेमाल बहुत कम करता हूँ। हाँ, 1,500 का सामान आप ले सकते हो, वो भी आपको पैसा जल्दी पेड करना पड़ेगा। पेड नहीं करोगे तो फिर आपका नुकसान है। आप सोचोगे भाई अगर हम पैसा नहीं देंगे तो क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, तो भाई इसका वीडियो मैंने बना दिया है, आई बटन पर ऊपर डिस्क्रिप्शन पर वीडियो है, जाके देख लेना। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया हूँ कि अगर आप लोग फ्लिपकार्ट पर पैसा नहीं देते तब आपके साथ क्या क्या हो सकता है। तो भाई आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई कि मेरा कहने का मतलब क्या था। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे मजा वीडियो अभी मिलती रहेगी। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।